नमस्कार, मीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, अमरूद और प्याज की चटनी, गोवा एंड ऑनियन चटनी। उसको बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम अमरूद को लेकर के अच्छी तरह धो करके और उसके बीज हटा करके और टुकड़ों में काट करके ले लिया है। हरी मिर्ची ली है मैंने 4-5, चौथाई इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, एक छोटी प्याज को बारीक काट करके लिया है, आधा नींबू लगाएगा मुझे, आधे नींबू का इसका रस निकाल लूँगी मैं, सादा नमक है आधा चम्मच, चौथाई चम्मच से थोड़ा ज़्यादा काला नमक, भुनासी का जीरा पाउडर है आधा चम्मच से थोड़ा कम, और आधा चम्मच सौंफ और खड़ा धनिया। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने चटनी पीसने के लिए छोटा जार ले लिया है और उसमें कटे हुए अमरूद को डाल दिया है, साथ ही मैंने कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और अदरक को डाल दिया। अब मैं सब मसाले इसमें डाल देती हूँ। सभी मसाले डाल देने के बाद में अब मैं इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ। अब मैं इस चटनी को पीस लेती हूँ। मैंने सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से पीस लिया है और ये चटनी बनकर के तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। मैंने अमरूद और प्याज की चटनी को एक बाउल में खाली कर लिया है, ये बनकर के तैयार है। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप खाने के साथ में एज ए साइड डिश खाएं या किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।